हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कुसंगत से बचने के लिए छोटे भाई को पत्र कैसे लिखे। ठीक है, पत्र लिखना हम लोग सीखेंगे। जैसे कि अगर आपका छोटा भाई जो है कहीं बाहर पढ़ाई कर रहा है और आपको लग रहा है कि हमारा भाई जो है बुरी लक्षणों की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो उसको आप पत्र लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जहाँ पर भी आपका भाई रहता है उसका एड्रेस डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए चर्च गेट मुंबई, मैं डाल देता हूँ चर्च गेट मुंबई। ठीक है, मान लीजिए आपका भाई वहाँ तैयारी कर रहा है और जिस डेट को आपने पत्र लिखा है वो डेट डाल देंगे। तो यहाँ पर डेट मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर डेट डाल देंगे, जो भी डेट को आप लिख रहे हैं पत्र। नीचे आएंगे, यहाँ पर से शुरुआत करेंगे प्रिय, आपका जो भाई का नाम रहेगा यहाँ पर लिखेंगे प्रिय। मैं लिख देता हूँ राहुल। ठीक है, प्रिय राहुल। नीचे से शुरुआत करेंगे, फिर खुश रहो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे खुश रहो। यहाँ तक हो गया। ठीक, यहाँ पर आप यहाँ पर एक तरह से संबोधक चिन्ह लगा देंगे, खुश रहो। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे पूरा एप्लीकेशन। तुम्हारा तुम्हारा पत्र मिला। यहां तक हो गया। ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला। अब यहां पर लिखते जाएंगे, यह पढ़कर अत्यंत अत्यंत खुशी हुआ। ठीक है, अत्यंत खुशी हुआ, यह पढ़कर अत्यंत खुशी हुआ कि तुम परीक्षा की तैयारी में कि तुम परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हो। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, आसानी से हो जाएगा। परिवार के सभी लोग, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे परिवार के सभी लोग चाहते हैं कि तुम कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन परिश्रम करो और परिश्रम करो, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, परिश्रम करो और अच्छा अंक प्राप्त करो। ठीक है, अच्छा अंक प्राप्त करो। ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर, नीचे से थोड़ा सा शुरुआत करेंगे यहाँ पर, या फिर एक लाइन छोड़ भी सकते हैं। भाई संबोधक चिन्ह लगाएंगे, मैं भली भांति जानता हूं कि, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भली भली भांति जानता हूँ। ठीक है, जानता हूँ कि तुम कर्तव्य निष्ठ हो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तुम कर्तव्य निष्ठ हो, कर्तव्य निष्ठ हो। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारा ध्यान कुसंगत के प्रभाव की ओर, ठीक है, तुम्हारा ध्यान कुसंगत यानी कि बुरी लक्षण या फिर बुरी आदत कुसंगत के प्रभाव की ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, आकर्षित हो रहा है यानी कि उसका ध्यान भटक रहा है, अपने आप को अगर लग रहा है तो ऐसे आप लिख देंगे आकर्षित हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। कुसंगति आगे लिखेंगे, कुसंगति एक संक्रामक रोग है। एक थोड़ा सा इसको ऊपर करते, कुसंगति एक संक्रामक रोग है। ठीक है, कुसंगत एक बहुत ही मतलब संक्रामक रोग की तरह ही है। इसके बाद आखिर लिखेंगे, जब यह रोग किसी को लग जाता है तो वह बड़ी कठिनाई से ही मुक्त हो पाता है। ठीक है, जिसको भी बुरी आदत लग जाती है वो उन आदतों को छोड़ने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत ही मुश्किल से छोड़ पाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। आगे लिखेंगे यहाँ पर, आगे जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर बड़े 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 आप लिखेंगे बड़े 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 बुद्धिमान। ठीक है, बड़े बड़े बुद्धिमान
कुसंगति में पड़ जाने के कारण अपने जीवन को बर्बाद करते हुए देखा है। ठीक है, अपने जीवन को बर्बाद करते हुए देखा है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ इस वजह से आप लोग आसानी से समझ लेंगे। देखा है, ठीक है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी जब कुसंगत की आदत मतलब उन लोगों को पड़ जाती है तो अपने जीवन को बर्बाद करते हुए आप लोगों ने देखा ही होगा। कितने भी बुद्धिमान लोग हैं जब इन लक्षणों के आगे आ जाते हैं मतलब इनकी चपेट में आ जाते हैं तो उनका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। अतः इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अतः इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। प्रयास करना चाहिए, यह भयानक रोग आजकल यह भयानक रोग आजकल आजकल चारों ओर फैल रहा है। ठीक है, चारों ओर फैल रहा है। ठीक है, मतलब यह आप देखेंगे तो चारों तरफ ये बुरी लक्षणें फैल रही है, बहुत ही तेजी से फैल रही है। लोगों इन सभी आदतों से आपको बच के ही रहना है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे कितने ही शिक्षार्थी। ठीक है, कितने ही शिक्षार्थी और युवक कितने ही शिक्षार्थी और युवक इस विषैले इस विषैले ठीक है यहाँ पर है इस विषैले रोग के चपेट में आने से ठीक है चपेट में आने से सदैव ही सफलता से वंचित रहे। सदैव के लिए मतलब यहाँ पर हो जाएगा सदैव के लिए सफलता से वंचित हो जाते हैं। आसानी से हो जाएगा। मतलब बहुत सारे युवक हैं और इस जो है शिक्षार्थी हैं जो इस रोग के चपेट में यानी कि इस लक्षण के चपेट में आने से वो जिस तरीके की तैयारी कर रहे थे उससे वंचित हो जाते हैं और अपनी सफलता की राहों पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, यहाँ तक तो एप्लीकेशन पूरी हो गई। अब आगे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुम्हारा बड़ा भाई जान। ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई जान यहाँ पर लिखेंगे। पूरा एप्लीकेशन इस तरह से आप लिखेंगे, आपके छोटे भाई को अगर आपको लग रहा है कि आपका छोटा भाई बुरे लक्षण की तरफ बढ़ रहा है तो इस तरह से उसको पत्र भेज सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।